हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। तुषाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान खर्च की गई धनराशि की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस धनराशि में बड़े स्तर पर गोलमाल होने की संभावना है। किरण चौधरी ने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अभी तक 345 करोड़ रुपए कोरोना महामारी पर खर्च किए। एक मरीज पर लगभग 26,000 से अधिक का खर्चा दिखाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि कोरोना मरीज घरों में ही आइसोलेट किए जा रहे हैं और उन्हें करीब उनके ऊपर बहुत कम पैसे दवाई उपलब्ध करवाने पर खर्च किए जाते हैं। किसान बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में आज किसान दिल्ली में सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे थे, जिसके तहत पानीपत में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने रोका और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसान बिल को लेकर चल रहे आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों को गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं, एमएसपी को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। कृषि बिल के खिलाफ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधित तीनों अध्यादेश किस तरह किसान को बर्बाद करने वाले हैं ये समझ आ चुका है, जबकि बीजेपी के नेता जनता को गुमराह करने के लिए सफाई दे रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान अध्यादेशों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों ने अध्यादेश का विरोध किया और 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। पहले की तरह 25 सितंबर को भी इनेलो किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करेगी। पिपली लाठीचार्ज पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 10 सितंबर को पिपली आ रहे किसानों को रोका गया और लाठीचार्ज किया गया। सत्ता में बैठे लोग किसान पर अपनी मोहर लगाते हैं, मगर किसान को प्रताड़ित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। लाठीचार्ज के बाद गृहमंत्री और सीएम के बयान में खोट नजर आता है। डिप्टी सीएम को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हिसार में निगम विभाग और पार्षदों के बीच विवाद शुरू हो गया है। दरअसल निगम में हाउस टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों ने ब्रांच में आम लोगों के साथ साथ पार्षदों की एंट्री पर बैन कर दिया है। अधिकारी के फरमान से नाराज पार्षदों ने हिसार के मेयर के साथ मिलकर निगम में बैठक की। बैठक में हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि पार्षद अपनी मर्जी से निगम के किसी भी विभाग जा सकते हैं, क्योंकि पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अंबाला में अचानक आई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अनाज मंडी में रखी किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल को एक झटके में बर्बाद कर दिया। तेज बारिश किसानों की फसल को पानी में बहा ले गई। किसानों की परेशानी पर बोलते हुए मंडी बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि अभी धान की फसल की खरीद भी शुरू नहीं हुई, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। उनका कहना है कि धान की खरीद शुरू होगी तो किसानों के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नरमा और कपास की खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग और कृषि बिलों के विरोध को लेकर पिछले 16 दिन से किसान धरने पर हैं। आज किसानों के धरने का 17वां दिन है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें जल्द नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को किसान मजबूर हो जाएंगे। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे पीटीआई शिक्षकों ने रेवाड़ी में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री से अपनी परेशानी साझा की।
शिक्षकों का कहना है कि अपनी जायज मांग को लेकर वो पिछले 3.5 महीने से सड़कों पर हैं और सरकार के हर नुमाइंदे तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पीटीआई टीचर्स ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वो उनकी आवाज पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और सभी 1983 पीटीआई शिक्षकों की बहाली के लिए वकालत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। यमुनानगर में पीटीआई टीचर्स ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर जमकर प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान और दूसरे कर्मचारी संगठन भी पीटीआई टीचर्स के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि वो पिछले 100 दिन से अपनी नौकरी की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई टीचर्स योग्यता के आधार पर भर्ती हुए थे। पीटीआई टीचर्स को आश्वासन देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी जो मांगे हैं उनको सीएम के सामने रखा जाएगा। बरौदा हलके में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार बरौदा हलके के कथुरा गांव को उप तहसील बनाने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने प्रपोजल तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है। लेकिन बरौदा को उप तहसील में शामिल किए जाने वाले रोकी गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। रोकी गांव के लोगों ने गांव में पंचायत कर फैसला लिया कि उनका गांव किसी भी कीमत में कथुरा उप तहसील में शामिल नहीं होगा। रोकी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सभी को तहसील में काम के लिए गोहाना आना पड़ता है। उनके लिए यहां आना आसान है, लेकिन अगर कथुरा उप तहसील से जोड़ा गया तो लोगों को यहां आने जाने में परेशानी होगी। गोहाना के पावर हाउस में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर नीति का कड़ा विरोध किया गया और इसके खिलाफ बिजली मंत्री और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के नाम ज्ञापन स्थानीय एक्सीएन को सौंपा गया। टोहाना में मजदूर संगठन सीटू के तहत आने वाले जन संगठन प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित परिचर्चा का आयोजन किया। वहीं अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। पंचकुला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में कोरोना के 243 नए मरीज सामने आए और एक मरीज की मौत हुई। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। पंचकुला का रिकवरी रेट अब बढ़कर 72% तक पहुंच चुका है। प्रदेश में बिना कोरोना के लक्षण और डॉक्टर की सलाह के बिना अपने निजी कारणों के चलते टेस्ट करवाने वालों के लिए सरकार की तरफ से फीस निर्धारित की गई है। कोरोना जांच के लिए निर्धारित फीस के बारे में जानकारी रणदीप सिंह पुनिया ने दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जनता से अपील की है। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सैंपल देने के बाद कोरोना रिपोर्ट आने तक व्यक्ति घर में ही क्वारंटीन रहे, ताकि परिवार या बाहर के किसी दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण ना फैले। साथ ही बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि कोरोना पॉजिटिव लोगों की ही सैंपलिंग हो सके।
बहादुरगढ़ में लोगों ने गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाने के नाम पर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया। लोगों का कहना है कि पक्की और दुरुस्त हालत की गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाई जा रही है। मामला उछला तो नगर परिषद ने ठेकेदारों को लताड़ लगाते हुए काम बंद करवा दिया। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने जिन गलियों में परत बिछाई उनका टेंडर नहीं किया है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के लोगों ने राशन डिपो होल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर राजेश जून और देवेंद्र जून उन्हें पूरा राशन नहीं देते और जब इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। राशन डिपो होल्डर की हरकतों से परेशान लोगों ने इनकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से की है। शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकारी के गोयल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश के सरकारी अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पतालों में एक मामला खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। इस बार मामला सोनीपत के सिविल अस्पताल से सामने है, जहां एक महिला ने बच्चे को अस्पताल के बाथरूम में जन्म दिया। फतेहाबाद जिला मुख्यालय में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डीसी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सिरसा के लघु सचिवालय में मौजूद शहीद स्मारक पर शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त रमेश चंद्र और एसडीएम जयवीर यादव ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। नांगल चौधरी में प्रदूषण का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण से ग्रामीण परेशान है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अधिकारियों और सीएम विंडो पर शिकायत की है। वहीं एक सप्ताह पहले फसल कटाई कर रहे किसानों ने फसल खराब होने के चलते सड़क जाम कर पत्थर खदानों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दो क्रेशर को सीज किया। इस वक्त गुरुग्राम और फरीदाबाद के ग्रामीण गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। फरीदाबाद में 26 गांवों को निगम में शामिल करने का ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं। विरोध भी ऐसा कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर गांव को निगम में शामिल किया जाता है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में फरीदाबाद के गांव बड़ौली में 26 गांव की महापंचायत हुई, जिसमें युवाओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके गांव को निगम में शामिल न किया जाए। पंचायत में लोगों ने आरोप लगाया कि निगम की नजर पंचायत के 1500 करोड़ रुपए पर टिकी है और निगम हड़प लेना चाहता है इसे। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में भी 38 गांव की पंचायतों को निगम में शामिल करने का विरोध जारी है। इस सिलसिले में लगातार पंचायत की बैठकों का दौर जारी है। यहां भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जिन गांवों को निगम में शामिल किया गया उनका अब तक विकास नहीं हो पाया। भिवानी की सड़कों की हालत पिछले कई महीनों से जर्जर हो रही है। इस कारण लोगों के लिए वाहन चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। रेवाड़ी में बस स्टैंड के पास रास्ते की हालत बेहद खराब है। सड़क नहीं बनने के कारण यहां अक्सर थोड़ी सी बरसात के बाद पानी जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी होती है।
रेवाड़ी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने शहर के बस स्टैंड समेत दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर संचालित हो रहे अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। प्राधिकरण की तरफ से ये दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 37 वाहनों के चालान करने के बाद 32 वाहनों को जब्त किया गया। सोहना के गांव सांप की नंगली में चोरों ने पंजाब के पूर्व डीजीपी ज्योति त्रेहान के फार्म हाउस पर सेंध लगाई। चोर फार्म हाउस से लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। गोहाना के गांव रबड़ा में जमीन विवाद के चलते भाई ने अपने ही भाई को गोली मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हांसी की एक कॉलोनी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। जब इस मामले में डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह, जांच अधिकारी डीएसपी धर्मवीर के कार्यालय में पीड़ित परिजनों के साथ स्टेटस जानने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिलने गए। डॉक्टर का आरोप है कि जांच का स्टेटस पूछते ही डीएसपी भड़क गए और गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने डीएसपी और उनके स्टाफ पर बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है।